एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी और क्या ऐसे कुछ टिप्स दूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और हाँ, अगर आप मैरिड हैं तब तो ये आपके लिए वीडियो बहुत मस्त है, आप इसको ज़रूर से देखें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंदूर हैक्स बताऊँगी, सिंदूर के कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगी तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो प्लीज वीडियो को पूरी देखिएगा। तो आज आपको मैं इस वीडियो में कुछ सिंदूर से रिलेटेड टिप्स दूंगी और मैं बताऊंगी कि अगर आप भी मैरिड हैं, आप भी सिंदूर लगाती हैं, तो आपको कब, कैसे और किस तरह से लगाना चाहिए। और आज मैं आपको कुछ ऐसे तीन तरीके बताऊंगी जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो जो आपका सिंदूर है वो लॉन्ग लास्टिंग लगा रहेगा आपकी मांग में, और आप उनको किस तरह से लगाएं कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। क्योंकि गर्मियां आ रही हैं तो ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि सिंदूर वो बीच मांग से बहने लगता है। अगर आप पाउडर वाला सिंदूर यूज करती है तो एक टाइम के बाद झड़ने लगता है हमारी मांग से। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिनको कि अगर आप अप्लाई करेंगी तो जो आपका सिंदूर है वो पूरा दिन अच्छे से उसी तरह लगा रहेगा। पाउडर वाला सिंदूर लगाने का आपको सही तरीका बताऊंगी और मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगी तो जो आपका लुक है वो सिंदूर के साथ बहुत बढ़िया सा आएगा, बहुत प्यारी लगेंगी। आपका जो लुक है बहुत खिल के आएगा, क्योंकि सिंदूर ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी शादी हो गई, आप कितना भी मेकअप कर लें, अगर आपने सिंदूर छोटा लगाया है या ठीक से नहीं लगाया है तो जो आपका लुक है वो कम्प्लीट नहीं होता है, आपका जो चेहरा है वो खिल के सामने नहीं आता है। तो आज मैं ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिंदूर लगाने जाते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ तो सबसे पहले आपको अपने बालों को खूब अच्छे से कॉम कर लेनी है, अपने बालों को खूब अच्छे से सुलझा लेना है। तो आपको सबसे पहले सिंदूर लगाने से पहले जब भी आप लगाएं अपने बालों को खूब अच्छे से सुलझा लें, उसके खूब अच्छे से कोई हेयर स्टाइल बना लें जैसा कि आप बनाती हूँ। अगर आप बाहर कहीं जा रही हैं तो आप उस हिसाब से हेयर स्टाइल बनाएं, अगर आप घर में हैं तो जैसा भी जूड़ा बनाना चाहे, कैसा भी कुछ भी करना चाहे। तो अब यहाँ मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है गुलाब जल, और इस कटोरी में दो चार बूंदे गुलाब जल की मैं डाल दूंगी। आप गुलाब जल की जगह पे साफ और शुद्ध पानी का भी यूज़ कर सकती हैं, दोनों ही चीज़ें बढ़िया हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो लें। और यहाँ मैं ले रही हूँ सिंदूर, और ये बहुत बढ़िया सा तरीका है अगर आप पाउडर का सिंदूर यूज़ करती हैं तो इसको कि कैसे आप इसको लगाएं कि चारों तरफ झड़े नहीं और ये ठीक से लग भी जाए, अच्छा शेप आ जाए। तो इसके लिए आपको अपनी इस वाली उंगली को इसमें डिप करना है, चाहे आप पानी का यूज़ करें या फिर गुलाब जल का यूज़ करें, और आपको थोड़ा सा ही डिप करना है, बिल्कुल ज़रा सा पानी इसमें टच करवाना है। और इसके बाद आप अपने इस वाली उंगली की हेल्प से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप सिंदूर को अपने माथे में या मांग में, जहाँ भी आप बोलें, आप अप्लाई करेंगे इस तरह से, तो आपको एक बढ़िया सा इस तरह से शेप देना है। अगर आपको पूरी मांग भरनी है आप वैसे करें, आपको फिर थोड़ा सा आगे साइड में लगाना, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से इस तरह से इसको अप्लाई करेंगी तो आपका जो सिंदूर है वो लॉन्ग लास्टिंग टिका रहेगा। और सबसे अच्छी बात कि ये खूब अच्छे से लग जाता है तो बहुत बढ़िया सा लगता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर से इस टिप्स को फॉलो करें। और दूसरा तरीका है सिंदूर को अप्लाई करने के लिए, आपको ये ईयरबड चाहिए जो कि सबके घर में इजीली मिल जाता है, और हमें चाहिए वैसलीन, ये दोनों ही चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। तो इसके लिए ये देखिए मैंने वैसलीन लिया है, और बिल्कुल भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, ख़राब भी नहीं करता है। तो आप इस ईयरबड में थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी में इसको लेंगी, बिल्कुल ज़रा सा, जिससे कि आपका सिंदूर इसमें अच्छे से सेट हो जाए और वो आपके मांग में अच्छे से भर भी जाए, तो इस तरह से। और इसके बाद आपको इसी बड को इस सिंदूर में डिप करना है, और हल्की हल्की क्वांटिटी में लेकर आपको अपने मांग में इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ तो मैंने इससे पहले लगा लिया है इसलिए आपको कम समझ में आ रहा होगा,
लेकिन अगर आप इसको खुद से ट्राई करेंगी तो बहुत बढ़िया सी टिप्स है, आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखें। अगर आपको लिक्विड वाला सिंदूर लगाना नहीं पसंद है तो आप इस तरह से इसको लगाएंगी तो बहुत बढ़िया से लुक देगा, और जो आपका सिंदूर है वो पूरा दिन अच्छे से सेट भी रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। तो आप इसको भी एक बार ज़रूर से ट्राई करें। एंड इस वाली टिप्स में आपको चाहिए लिक्विड वाला सिंदूर, जो कि सबके पास होता है, चाहे तो आप स्टिक वाला लें या फिर आप ये लिक्विड वाला लें, दोनों ही इसमें चल जाएगा, जो भी आपके पास हो आप वो लें। आपको कोई सा भी जिस कलर का, अगर आप ऑरेंज सिंदूर लगाती हैं तो आपको ये लिक्विड वाला ऑरेंज सिंदूर लेना है, अगर आप रेड लगाती हैं तो आपको रेड लिक्विड का सिंदूर लेना है। इसको मांग के बीचों बीच लिक्विड सिंदूर को लगा लेंगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद अगर आप पाउडर वाला सिंदूर अप्लाई करेंगी तो वो आपका लॉन्ग लास्टिंग टिका रहेगा, वो आपका बिल्कुल भी झड़ेगा नहीं पाउडर वाला सिंदूर। तो तीसरा तरीका है, बहुत बेस्ट है, आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करें, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये लिक्विड वाला सिंदूर लेना है, कोई सा भी जो आपके पास हो आप उसको लें, चाहे स्टिक वाला लें या लिक्विड वाला लें, जो भी आप लें उसको लें। और उसके बाद थोड़ा सा इसका ये यहाँ आपको थोड़ा सा लगा लेना है, यहाँ आपको थोड़ा सा लिक्विड वाला सिंदूर लगा लेना है। देन आपको उसके बाद पाउडर वाला सिंदूर अगर आप लगाएंगी तो वो खूब अच्छे से इसमें चिपक जाएगा, वो बिल्कुल भी झड़ेगा नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग टिका रहेगा, आपको पूरा दिन वो खूब अच्छे से लगा रहेगा। आपको अपनी इस वाली उंगली से ही सिंदूर को लगाना है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। ये देखिए, यहाँ मैंने सिंदूर अप्लाई कर लिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको अप्लाई करने के बाद जो मेरा लुक है वो भी बहुत बढ़िया सा आता है, बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आती है सिंदूर लगाने के बाद। तो आप भी अगर मैरिड हैं तो आप ज़रूर से इन ट्रिक्स को फॉलो करें, बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे पर्सनली पता है, और हो सके तो अगर आपको भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको फॉलो भी करिएगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप सिंदूर कभी भी लगाते हैं तो आप बिना नहाए सिंदूर कभी भी अप्लाई मत करें, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप नहाने के बाद ही सिंदूर को अप्लाई करें। और जो दूसरा नंबर है वो ये है कि आप कभी भी सिंदूर को लगाते टाइम अपने सर को खुला मत छोड़ें। जब भी आप सिंदूर लगाएं अपने सर को दुपट्टे से या साड़ी से, जो भी आप पहनी हो उससे कवर कर लें, थोड़ा सा आप ढक लें, यहाँ पल्लू ला के रख लें, उसके बाद अगर आप सिंदूर लगाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया था, अपने सर में पल्लू नहीं लिया था, लेकिन मैं इसको ऐसा रोज़ करती हूँ। जब भी मैं सिंदूर अप्लाई करती हूँ मैं अपने सर को ढक लेती हूँ, चाहे दुपट्टे से हो चाहे साड़ी से हो। आप भी इस बात का ज़रूर से ध्यान दें कि आप जब भी सिंदूर लगाने जाएं आप अपने सर को थोड़ा सा किसी भी कपड़े से ढक लें, उसके बाद आप सिंदूर लगाएंगी। तो ऐसे में बोलते हैं कि सिंदूर का बहुत सम्मान होता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर से इसको फॉलो करें, और कभी भी ज़मीन पे गिरा हुआ सिंदूर बिल्कुल भी ना लगाएं। आपके पास जो फ्रेश सिंदूर हो वही लगाएं, क्योंकि वो गिरने के बाद उसका अपमान हो जाता है। आप उसको क्या करें, आप किसी कपड़े की हेल्प से उसको पोंछ के आप किसी पेड़ पौधे में जहाँ भी हो आप उसको डाल दें, बाकी उसको अपने मांग में कभी भी ना लगाएं। और कभी भी आप सिंदूर लगाने के बाद अपनी ये बीच वाली मांग को बिल्कुल भी ना छुपाएं, बिल्कुल भी इसको हाइड मत करें। आप अपने जितना आपको लगाना है उस हिसाब से लगाएं, अगर आपको थोड़ा सा लगाना है यहाँ तो आप बिल्कुल थोड़ा ही लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मांग भर के ही लगाएं, मगर जितना भी लगाएं आप उसको बिल्कुल भी छिपाएं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये सिंदूर का अपमान होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि आप कभी भी सिंदूर लगाएं तो उसको सामने फ्रंट पे रहने दें, उसको बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप ये यहाँ लगाने के बाद आप अपने बालों को साइड से मांग निकाल लें, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। तो आप इसको भी अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप इसको भी कभी ना करें, और आप सिंदूर को हमेशा अपने बीच के मांग में ही निकाल के लगाएं, आप इसको इधर उधर बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आपको ये सारी बातें पता हो तो आप फॉलो करें, और अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर से फॉलो करें। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर से शेयर करिएगा, जिससे उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके अगर उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हो तो। और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।